If you laugh, the world laughs with you. If you weep alone. अर्थात यदि आप हंसते हैं तो हंसते के साथ सारा संसार है, यदि आप रोते हैं तो आपको अकेले रोना पड़ता है, कोई आपका साथ रोने में अर्थात दुख में नहीं देता। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, कैसे बनाएं इन वाक्यों को, देखें वाक्य कैसे हैं, छोटे छोटे से वाक्य हैं, लिखने में बोलने में बहुत ज्यादा यूज है इनका, इसलिए मैंने इनको लिया है। इसे फिर से कहो, क्या कहना चाहते हो, आखिर क्या कहना चाहते हो, ऐसे कैसे बोलेंगे, केवल ये कहना है हमें क्या कहना चाहते हो तो कैसे बोलेंगे, क्या आप कुछ कहना चाहते तो कैसे बोलेंगे। देखें व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, डू यू वांट टू से समथिंग, डू यू वांट टू से समथिंग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, इस प्रकार से हम इन शब्दों का यूज करते हैं। कहना से, कहने की अंग्रेजी होती है से, से और बताने की या सुनाने की, जैसे स्टोरी सुनाना है तो आप टेल शब्द का यूज करेंगे, TELL, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, TOLD, TOLD। शी टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई। सुनाने की अंग्रेजी टेल होती है, ध्यान रखना ये चीज ध्यान नहीं रहती है। से इट अगेन, फिर से कहना, से इट अगेन, आई डिड नॉट लिसन टू इट, मैंने सुना नहीं, से इट अगेन, दोबारा कहना। अब यदि आपको कहना है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं, दोबारा कह दो, पार्डन, इतना ही काफी है, पार्डन, पार्डन का मतलब होता है जो आप कह चुके मैंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा कहो, पार्डन सर, श्रीमान जी, दोबारा कहिए। पार्डन होता है माफी मांगना, माफ कीजिए मैंने सुना नहीं, दोबारा कहिए, इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, पार्डन सर, मुझे कुछ नहीं कहना है, आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, अर्थात आई ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है, आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, इस तरीके से। और ये गीत भी है, मुझे कुछ कहना है, बॉबी फिल्म में ये गीत है, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, दूसरा बोल है तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग। यह कहा जाता है कि इट इज सैड, यह कहा जाता है कि कहानियों में आता ही है जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, यह कहा जाता है कि वहां एक कंजूस था, एक राजा था, एक भिखारी था, इस तरीके से सेंटेंसेस में आता है। इट इज सैड, इसकी अंग्रेजी बनेगी, यह कहा जाता है कि, की अंग्रेजी बनेगी दैट। देयर वाज ए माइजर, एक कंजूस था, देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था, देयर वाज ए बेगर, एक भिखारी था, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि, अब इसको कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, बहुत आसान है, इट नीड नॉट बी सेड दैट, इट नीड नॉट बी सेड दैट, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि, की अंग्रेजी हमेशा दैट रहती है। हम हैट को टोपी कहते हैं, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम हैट को टोपी कहते हैं, वी कॉल ए हैट ए कैप, हम हैट को टोपी कहते हैं। अब हमें कहना है कि असली बात तो तुम शादी की बात करने गई, असली बात तो छोड़ ही दी, असली बात तो रह गई, असली बात तो तुमने कही नहीं, कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को, असली बात तो तुमने कही नहीं, यू मिस्ड, रह गई आपसे, यू मिस्ड सेइंग द वाइटल पॉइंट,
महत्वपूर्ण बात, वाइटल पॉइंट, इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे नहीं कह सकते। यू मिस्ड सेइंग द वाइटल पॉइंट। अरे असली बात तो तुमने कही नहीं, असली बात तो छोड़ गए। इस तरीके से जब हमें कहना है वह मुझे मूर्ख कहती है या बुद्धिमान कहती है, तो वाइज होती है बुद्धिमान की, फूल होती है मूर्ख की अंग्रेजी। शी कॉल्स मी फूल या ए फूल। शी कॉल्स मी वाइज, वो मुझे बुद्धिमान कहती है, फूल माने मूर्ख, वो मुझे मूर्ख कहती है। कहरवाना की अंग्रेजी देखें आप कैसे कहेंगे, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलवाओ, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलवाओ। अब हमें कहलवाना है, जैसे टू सेंड ए वर्ड, कहलवाना किसी को सूचना भेजना, तो मैंने कहलवा दिया है, सूचना भिजवा दी है, कैसे कहेंगे, आई हैव सेंट ए वर्ड टू मोहन, मैंने मोहन को कहलवा दिया है, सोहन को कहलवा दिया है, राम को कहलवा दिया है, श्याम को कहलवा दिया है, किसी को भी इस तरीके से हम अंग्रेजी बोलते हैं, आई हैव सेंट ए वर्ड टू मोहन, मैंने मोहन को कहलवा दिया है, सूचना भेज दी है मैंने मोहन को। कहा सुना, अब देखें कहीं भी ये इनकी शब्दों की अंग्रेजी नहीं मिलती है कहीं, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके ये सब आपके लिए मैं तैयार करता हूं, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है ये। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, इसी तरीके से आप सारी वीडियो देख करके अंत में आपको मेरी वीडियो ही देखना है, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। कहा सुना, इम्प्रॉपर वर्ड्स, कहा सुना भाई, कहा सुना माफ करना, कितना कॉमन शब्द है, कहा सुना माफ करना। ज्यादातर लोग ये बात कह देते हैं अगर वो अच्छे किस्म के लोग होते हैं। एक्सक्यूज एनी इम्प्रॉपर वर्ड, कहा सुना माफ करना, एक्सक्यूज माने माफी मांगना। एक्सक्यूज एनी इम्प्रॉपर वर्ड, इम्प्रॉपर माने होता है अनुचित, वर्ड माने होता है शब्द, माफ कीजिएगा अगर कुछ मुंह से निकल गया हो, कुछ कहा कह सुन दिया हो, कहा सुना माफ करना भैया। कहा वर्ड एडवाइस, कहा देखें इसकी अंग्रेजी, कहा वैसे तो कहा की अंग्रेजी सेड बनती है, एस ए आई डी, सेड, से फर्स्ट फॉर्म, सेड सेड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। वर्ड या एडवाइस, मेरा कहा मानो, मेरा कहा मानो, तुम मानते ही नहीं हो, मेरा कहा मानो ना, मेरा कहा मानो, फॉलो माई एडवाइस या फॉलो माई वर्ड, इस तरीके से। लिसन टू माई वर्ड, अरे मेरा कहा सुनो, लिसन टू माई वर्ड, मेरा कहा सुनो, जो मैंने कहा है वो सुनो, तुम तो इधर उधर की बातें जा रहे हो। कहा सुनी, कहा सुनी की अंग्रेजी क्या होगी, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन या रैंगलिंग, रैंगलिंग, कल उन दोनों में कहा सुनी हो गई, तो कुछ भी लगा दीजिए, ये मैंने डैश लगा दिया है, आप इन दोनों की जगह, इस डैश की जगह अल्टरकेशन या रैंगलिंग कोई भी शब्द लगा सकते हैं। देयर वॉज सम अल्टरकेशन बिटवीन देम यस्टरडे, कल उन दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई, तो कहा सुनी की दो दो अंग्रेजी मैंने दी है, अल्टरकेशन और रैंगलिंग। कहना और करना, सेइंग एंड डूइंग, सेइंग एंड डूइंग, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस लिख दिया है, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, कहना, कहना और करना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, ये मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई है। आपको वैसे कहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको वैसे कहने का, ज्यादातर में मैंने कहना ही शब्द लिया सब में, आपको वैसे कहने का कोई अधिकार नहीं है, आप तो कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है कहने का, देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी, यू हैव नो राइट, राइट माने सही भी होता है, राइट माने दया भी होता है, राइट माने अधिकार भी होता है,
यू हैव नो राइट टू से दैट, आपको वैसा कहने का या वो कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखें अगला सेंटेंस, कहने को तो सब कहते हैं पर करता कोई नहीं। इसकी अंग्रेजी, कहने को तो सब कहते हैं भैया, करता कोई कोई है, कोई नहीं करता है। इट इज इजियर सेड देन डन, इट इज इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल। इसकी भी अंग्रेजी यही होगी, इट इज इजियर सेड देन डन, और कहने को तो सब कहते हैं करता कोई नहीं, ये भी अंग्रेजी यही होगी। देखे अगर कोई आए तो उनसे कहना कि मैं बाहर गया हूं, ये तो आप अक्सर ही देखते होंगे, घर में कह के जाते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं, अगर कोई आए तो उससे कह देना मैं बाहर गया हूं। देखे टेल हूएवर कम्स दैट आई एम आउट, जो आए अगर कोई मुझसे मिलने आता है मेरे पीछे तो कह देना मैं बाहर गया हूं। तो ये चीज की अंग्रेजी कैसे बनेगी, टेल हूएवर कम्स That I am out, जो कोई आए, whoever माने जो कोई, जो कोई comes आता है उससे कह देना, tell माने बता देना, कह देना कि I am out, मैं बाहर गया हूं। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, God bless you।